विदेशों में सोयाबीन की कीमतों में बीते सत्र में गिरावट दर्ज हुई। अमेरिकी सोयाबीन की कीमतों में भी कल गिरावट देखने को मिली, लेकिन विदेशों में गिरावट के बावजूद घरेलू सोयाबीन की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। दरअसल मंडियों में अब सोयाबीन की आवकें कम ही देखने को मिल रही हैं। किसानों को सोयाबीन का वाजिब दाम ना मिलने के चलते उन्होंने अब सोयाबीन को फिर से होल्ड करना शुरू कर दिया है। दूसरा, प्लांटों से सोयाबीन की ऊंची कीमतों पर खरीद जारी है, हालांकि प्लांट अपनी क्षमता से कम ही काम कर रहे हैं। साउथ अमेरिका में सूखे के चलते सोयाबीन के उत्पादन पर असर पड़ सकता है, जिसका असर भारतीय तेल तिलहन पर भी देखने को मिल सकता है। किसानों ने सोयाबीन को इसलिए भी होल्ड किया हुआ है क्योंकि मार्च में सरसों की नई फसल आ जाएगी, जिससे कीमतों में गिरावट और बढ़ जाएगी। ना ही वर्तमान में वाजिब दाम मिल रहे हैं और ना ही तब मिलेंगे जब सरसों की नई फसल मंडियों में आ जाएगी, इसलिए किसानों ने सोयाबीन को होल्ड किया हुआ है। किसानों को उम्मीद है कि आगे उन्हें सोयाबीन के दाम सुधर कर मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।